लो जी गाइस फाइनली यहाँ पे तुम्हारा भाई अभी फुल पावर रेडी है आज की स्पेशल संडे स्पेशल राइड के लिए। सीन कुछ ऐसा है, हम लोग राइड पे तो आ ही चुके थे और जैसे मैं आपको रोज कहता हूँ भाई, मैं नहीं बताऊंगा राइड कैसी रही कैसी नहीं रही, भाई बताएगा। भाई कैसा लग रहा है? भाई बहुत अच्छी राइड है। अच्छा लग रहा है? यस ब्रो। सामने भाई कोहरा है और भाई जो सुंदर व्यू आ रहा है ना भाई, छोटी सी नदी है साइड में। और गाइस पहली बार जिंदगी में अपना शाम को पार्सल आ रहा है। और भैया जी कैसे हो, ठीक हो? चलो जी अपना मस्त सेफली पार्सल आ चुके हैं यहाँ पे। और डिनर में आज भाई कोई स्पेशल चीज है, यानी सेव पूरी भी है साथ में बर्गर भी है। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइज। फाइनली आज एक और न्यू फ्रेश डे के साथ फ्रेश न्यू व्लॉग में आप सभी लोगों का दिल से वेलकम है, स्वागत है। यहाँ पे हो चुकी है अपनी बढ़िया नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है भाई 11:10 और अपने उठने से पहले ही भाई अपने घर पे इतने सारे इनविटेशन आ चुके हैं। बाहर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आ चुके थे कि भैया हम भी चलेंगे राइड पे, हमें भी लेके चलो। तो भाई मैं उस चीज को दोबारा से रिलेट कर पा रहा हूँ, जैसे कि मैं भी बचपन में बहुत छोटा था तो अपने को भी भाई साइकिल चलाने का बाइक चलाने का बहुत शौक रहता था। और अपनी गली के सामने से सोसाइटी के बाहर से आमने सामने से अगर कोई बाइकर पास करता था जाता था तो अपने दिल में वही सपना था कि हम लोग भी उसी की बाइक पे बैठे आराम से मस्त एक छोटी सी राइड एंजॉय करें। तो वही सपना बार बार आता है सामने और सोच रहा हूँ भाई अपने से जितनी कोशिश हो पाएगी, जितने बच्चों को राइड करवाई जाएगी स्ट्रेटजी से, तो उनको इतना पॉसिबल कराऊंगा कि भाई दिन में 8, 10, 2, 4 चाहे जितने भी बच्चे हों सभी को मस्त आराम से एक यूनिक तरह की सिंपल सी राइड करवाई जाए ताकि सभी का दिल खुश हो जाए और उनकी स्माइल से तुम्हारे भाई का भी दिल खुश हो जाए। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अपनी छोटी सी स्ट्रेटजी है कैसी कैसी नहीं है, सही है गलत है। लगता मुझे फिट एंड फाइन है और बहुत ज्यादा मस्त है। पापा जी अपने सामने है। पापा जी गुड मॉर्निंग। पापा पहले बताओ स्ट्रेटजी कैसी है? बहुत अच्छी सोच है ये, बच्चे भी खुश हो जाएं, आपका भी थोड़ा सा सिस्टम सही बना रहे तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह इतनी बढ़िया फ्रेग्रेंस आ रही है घर से, ऐसा पता लग रहा है वहाँ ब्रेकफास्ट बन रहा है बहुत धमाकेदार। यहाँ चल रहा है भाई अपना फिंगर चिप्स की तैयारी। फिंगर चिप्स बन रहे हैं आलू के और साथ में आज है बाजरे के आटे की रोटी। बाजरे की आटे की रोटी भाई, मम्मा आपने मक्के के आटे की नहीं बनाई? वो भी बनाएंगे सरसों के साग के साथ। फिलहाल यहाँ पे बाजरे की रोटी बनेगी मस्त एकदम। और यहाँ पे गुड मॉर्निंग हो चुकी है, मामू जी यहाँ पे है। मामू जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? मामू बच्चों को राइड कराने वाला कंसेप्ट कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत सही लगा। नाइस कंसेप्ट, नाइस है ना, दिल को अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा, यानी सभी लोग रिलेट कर पाते हैं, हम भी कर पा रहे हैं। जब हम भी बच्चे थे अपनी भी कुछ थिंकिंग थी, क्राइटेरिया थे, जो कि मुझे लग रहा है मामू हमारे जरिए कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पूरा हो रहा है। सही बात, तो सही लग रहा है ना मामू? अच्छी चीज है, नया कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है। तो भाई मामू जी आ चुके हैं बढ़िया सत्संग से सुबह सुबह पॉजिटिव वाइब्स के साथ। मामू रेडी फॉर ब्रेकफास्ट? चलो जी भाई निकलते हैं जल्दी जल्दी फटाफट राइड पे, लेकिन उससे पहले करेंगे बढ़िया सा नाइस सा ब्रेकफास्ट। तो लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। भाई साहब रोटी बनाते हुए मम्मी इतने खींच खींच के थप्पड़ मार रही हैं, इतने चाटे मारी है भाई आटे को, अगर किसी के मुंह पे इतने थप्पड़ लगे तो मम्मा उसका भरथाई बन जाए, भरथाई बन जाए भाई, भरथाई बन जाए। तो जी गाइस फाइनली यहाँ पे अपना खाना पीना हो चुका है, सुबह की रोटी सब्जी हो चुकी है अच्छी तरह से डन 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 डन। फिलहाल यहाँ पे आपको जैसे कहा था बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं भाई राइड के लिए, जरा आपको सीधा ऑन द फेस फेस टू फेस बातचीत कराते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे अपनी बाइक की पार्किंग है और यहाँ पे देखो भाई इन्होंने साइकिल की पार्किंग बना दी है। और भाइयों क्या हाल चाल है? ठीक है भाई, कैसे हो? बढ़िया। एक एक करके सभी अपना नाम तो बताओ, जरा अपनी ऑडियंस भी पहचाने भाई, भाई लोग है कौन, क्या नाम है आपका? पारस नाम है आपका? युवराज। आपका? सौरभ। तो भाई ये वो वाले भाई लोग हैं जो चाहते हैं अपना नाम, अपने पूरे ग्रुप का नाम, जितने सारे भाई लोग हैं दोस्त हैं वो उनका नाम आए सीधा टंकी पे, है ना, टंकी के ढक्कन पे। तो देखो भाई इन सभी का फ्रेंड्स का नाम यहाँ पे है और सभी का बाइक पे है ना। और राइड के लिए कौन कौन रेडी है? रेडी हो?
और आज तो भाई ये देखो भाई मौसम कैसा है, बिन मौसम की बरसात हो गई है, ड्रिजलिंग चालू हो गई है, हल्की हल्की बूंदा बांदी। भाई राइड पे जा रहे हैं, शायद इसलिए तो नहीं होगी है। हाँ भाई मेरे को लगता है भगवान जी खुश हो गए हैं, है ना। चलो भाई बच्चों को खुश करते हैं, मुझे लगता है भगवान जी वैसे ही खुश हैं। निकलते हैं राइड के लिए। भाई एक बार कह दो लेट्स गो। चलो भाई निकलते हैं। तो जी गाइस फाइनली सीन कुछ ऐसा है, हम लोग राइड पे तो आ ही चुके थे और जैसे मैं आपको रोज कहता हूँ भाई, मैं नहीं बताऊंगा राइड कैसी रही कैसी नहीं रही, भाई बताएगा। भाई कैसा लग रहा है? भाई बहुत अच्छी राइड है। अच्छा लग रहा है? यस ब्रदर। ठंड में बहुत ज्यादा कपकपी चढ़ गई है भाई। सामने का व्यू देखो भाई, सामने का दिखाओ भाई। सामने भाई कोहरा ही कोहरा है और भाई जो सुंदर व्यू आ रहा है ना भाई, एक छोटी सी नदी है साइड में और बहुत सारे पक्षी हैं, छोटे छोटे बर्ड्स हैं। सामने देखो भाई खेत ही खेत है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और भाइयों कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया। और खेलते खेलते आए हो क्या क्रिकेट? भागते भागते आयो? क्या हाल है? सब बढ़िया? चलो भाई कौन कौन अपनी वीडियो देखता है, कौन कौन वीडियो देखता है? लो भाई सारे बंदे देखते हैं भाई वीडियो। और इन सब में से झूठ कौन बोल रहा है मुझे ये बताओ। बाकी सारे एक बार ऐसे कर दो थम्स अप। चलो भाई क्या बात है, क्या बात तो जी गाइस फाइनली 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 हम लोग रेडी हो चुके हैं आज की मॉर्निंग स्पेशल राइड के लिए। और आज बाहर का वेदर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है। जे एंड के वाला नहीं कहूँगा भाई, पहाड़ों वाला नहीं कहूँगा, उससे भी अलग है। बाकी फिलहाल अभी तक व्लॉग के स्टार्टिंग में ही अपनी गोहाना की जनता का, पब्लिक का फुल पावर सपोर्ट मिला है। कैसे मिला है वो भी बाहर चल के बताऊंगा। बहुत सारे छोटे छोटे भाई लोगों को राइड भी दे दी थी। टाइम हो रहा अभी का 2:34, पूरे 3 बजने वाले हैं, पूरे 3 घंटे लेट है, पर कोई नहीं यार कभी कभार चलता है। आज है संडे, सो होने वाली है आज संडे स्पेशल राइड, सो निकलते हैं बाहर, लेट्स गो। बस जी गाइस फाइनली घर को तो कर दिया भाई बढ़िया तरीके से गुड बाय। यहाँ पे इंस्टा 360 भी लगा दिया है, ये वाला माउंट लगा हुआ है। होप कर रहा हूँ कि आगे वाला व्यू बड़ा अच्छा हो, बड़ा सुंदर हो, बड़ा मस्त हो। और इसको देख लो भाई, ये अपना छोटा सा फ्रेंड है, अपने पास आ जाता है जब हम लोग राइड की शुरुआत करते हैं। इसे पता ही लग जाता है भाई हम लोग राइड पे जाने वाले हैं। बाकी आज का मौसम कुछ ऐसा है, बिन मौसम के बरसात हो रही है। बरसात छोड़ो भाई, यानी जिसे आप फोग कहते हो भाई, इंग्लिश में फोग कहते हो, हिंदी में ओस कहते हो, वो ऊपर से पड़ रही है भाई नीचे की साइड। महसूस तो ऐसा हो रहा है कि भाई जैसे बारिश की ड्रॉप्स हो, बारिश की बूंदे हो, लेकिन वो ओस है, फोग है, जो कि भाई सीधा आके हमारे ऊपर गिर रही है भाई, वो भी सीधा ऊपर से आसमान से। और गाइस अपने गोहाना से इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है कि आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं राइड के लिए, भैया घुमाने ले चलो, उनको घुमा के आते हैं, दूर से स्माइल आता है, अच्छा लगता है। बाकी गाइस संडे राइड की शुरुआत में ही इतना ज्यादा रश मिलेगा, इतनी बड़ी बड़ी भाई ट्रैवलर्स बस मिलेंगी, टूरिस्ट बस मिलेंगी। आई वॉज नॉट श्योर, पता नहीं था भाई इतना भी ज्यादा रश मिलेगा, लेकिन फिलहाल मुझे यात्रीगण टूरिस्ट पूरे तैयार श्यार लग रहे हैं, लग रहे हैं सारे अपने नानी घर को निकल रहे हैं भाई। आजकल गाइस ठंड इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि भाई गवर्नमेंट को छुट्टी ही करनी पड़ रही है, अपने स्कूल्स को छुट्टी ही करनी पड़ रही है। स्कूल सारे बंद है, सारे लोग निकल रहे हैं भाई घूमने के लिए, ठंडे इलाकों में नहीं भाई, अपने रिलेटिव्स के घर आराम से बैठ बैठ के खाएं पिएंगे। और एक्चुअली में भाई एंजॉय भी वही होता है भाई, असली मजा सभी के साथ मिलकर आता है। वाओ 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 भाई साहब, एक तो इतना सुंदर पवित्र और चिल्ड चिल्ड मौसम हो रहा है, उसके साथ साथ ऊपर देखो भाई बढ़िया बढ़िया बर्ड्स भी बैठे हुए हैं, और साथ में फ्लाईओवर पे एंटर करते ही अपने को मस्त मर्सिडीज AMG दिखी भाई, फर्स्ट टाइम इन गोहाना, तो देख के मजा आ गया भाई। और गाइज आपको दिल से बताऊं तो ये अपना वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्लेस है, बेस्ट एवर प्लेस है, यानी कमाल की जगह है। अगर हम लोग राइड पे आ रहे हैं तो पक्का इंश्योर करते हैं 100% इस जगह पे आए ही आए, क्योंकि यहाँ पे भाई लॉट्स ऑफ ग्रीनरी है, ग्रीनरी ग्रीनरी है, दूर तक मिट्टी के पहाड़ी पहाड़ हैं। और जो एरिया है ना बिल्कुल सेम टू सेम गुड़गांव के अरावली हिल्स जैसा भाई, बिल्कुल सेम स्टैच वैसा है,
बाकी इस रोड पे आने के बाद ना दिन की वाइबिंग आ जाती है भाई, दिन बन जाता है भाई अच्छी तरीके से। और जिस दिन संडे हो उस दिन तो कमाल ही हो जाता है भाई। तो गाइस फाइनली अपने पास दो कमेंट भी आए थे, पहला नाम लिखना है भाई आयुष और दूसरा लिखना है वर्णिका। लिखते हैं यहाँ पे आयुष तो भाई मस्त चमका दिया है, दूसरा नाम है भाई वर्णिका। गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं आज की क्रेजी राइड से वापस अपने घर पे, अपनी बाइक वहां खड़ी कर दी है और यहाँ देखो भाई बच्चों का झुंड आ गया है भाई। सारे एक बार हेलो कर दो, मैं आपको एक बार ना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एक एक करके सभी का। यहाँ पे है भाई ध्रुव जो क्या करता है मोए मोए, एक बार कर दो एक बार मोए मोए। वंश यहाँ पे वंश है, यहाँ पे राघव है और यहाँ पे सिस्टम अपना जतिन है। हाँ तो बताता हूँ आपको भाई सीन क्या है, आज भी इनसे एक क्वेश्चन पूछेंगे उसके बाद दो भाइयों को राइड पे ले जाएंगे क्योंकि इनकी राइड अधूरी थी, इनकी हो चुकी है। तो भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुन लो पहले भाई। क्वेश्चन है एक ऐसा जीव बताओ, ऐसा पंछी बताओ जिसके सिर पर पैर होते हैं, सिर पर पैर होते हैं बताओ, फटाफट बताओ भाई। यहाँ से शुरू करते हैं जतिन से। मोर मोर नहीं, उनके सिर पे ऐसे घूम घूम के कुछ होता है ना। अच्छा वो होते हैं, चलो भाई ये तो बिल्कुल गलत है, कोई नहीं एक और ट्राई करो, एक और ट्राई। पिजन, पिजन भी गलत है भाई, पिजन भी गलत है। पैरेट पैरेट यानी तोता, वो भी गलत है भाई, गलत है। लेकिन अंश्वर के आस पास है तोता, तोता अंश्वर के आस पास है। बाज ये अलग ही है भाई, तोता नहीं तो तोती होगी भाई, वो सीन नहीं है भाई। आंसर मैं बताता हूँ, मैं आंसर बताता हूँ, आउल भी नहीं है, उल्लू भी नहीं है, तोता भी नहीं है, मोर भी नहीं है और बाज भी नहीं है यानी ईगल भी नहीं है। इसका सबसे अलग आंसर है भाई, सबसे अलग आंसर धाकड़ आंसर। तो भाई मैं बताता हूँ, सारे ही पक्षी हैं, सारे पंछी होते हैं जिनका सिर होता है, पर होते हैं और पैर होते हैं, है ना। तो भाई जितने पक्षी कह रहे हैं ना वो एक तरह से ठीक ही ऑप्शन है ना, सभी के सिर पर पैर होते हैं तो आंसर यही है, बाकी मजा आ गया। हाँ बताइए क्या होते हैं भाई, अब एक सिर, एक पर और एक पैर। हाँ तो अब आगे ना समझ आ गया ना सभी को, चलो भाई। और गाइस पहली बार जिंदगी में अपना शाम को पार्सल आ रहा है, वरना तो सुबह 1-2 के अराउंड आ जाता है, 1-2 PM के अराउंड। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है भाई शाम का 5:15 यानी अपना 5:15 हो रहे हैं और फिलहाल अभी पार्सल आया है। सो लेट्स सी गाइस पार्सल है कहाँ पे, वो रे भैया देखो भाई सामने वहां पे। और भैया जी कैसे हो, ठीक हो, ठीक हो, पहचान लिया, पहचान लिया। हाँ तो भाई एक बार पहले भी आए हुए हैं, चलो जी अपना मस्त सेफली पार्सल आ चुके हैं यहाँ पे। तो गाइस अपना मस्त पार्सल आ चुका है, ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, ध्यान से जाना आराम से, है ना। चलो जी भाई फिलहाल अपन लोग घर पे निकलने की तैयारी है और ये है ना जो भाई पार्सल घर पे करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, चलते हैं मस्त घर पे, तो लेट्स गो। तो जी गाइस फाइनली छोटा सा पार्सल अपना यहाँ पे है, जल्दी से इसकी सस्ती सी अनबॉक्सिंग करते हैं। और आपको बता दिया मैंने राइड से रिलेटेड ही कोई चीज आनी थी हमारे लिए, आपके लिए, आप लोग देखोगे हम लोग पहनेंगे। हाँ तो करते हैं अनबॉक्सिंग। लो जी गाइस फाइनली यहाँ पे देखो भाई, ये भाई बांधना जो कि भाई सिर पे बांधते हैं राइड के दौरान ताकि सिर भी सेफ रहे और उसके ऊपर हेलमेट भी आ जाए और अपने को ठंड भी ना लगे, ठंड का मेन सॉल्यूशन, क्योंकि आपको पता है अगर हम लोगों ने पहले सिर के ऊपर कैप डाल ली तो उसके ऊपर हेलमेट नहीं आ पाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। बाकी ये देख लो एक नहीं मंगवाया भाई, पूरे 3 मंगवाए हैं, वो भी रेड कलर भी है, ब्लैक कलर भी है और अपना मस्त व्हाइट कलर भी है। तो आ जाओ भाई एक एक करके ट्राई करते हैं, चलो भाई रेड ट्राई करते हैं। लो जी गाइस फाइनली यहाँ पे तुम्हारा भाई अभी फुल पावर रेडी है आज की स्पेशल संडे स्पेशल राइड के लिए। और आप लोग देख ही सकते हो भाई फाइनली ये कुछ चीजें मंगवाई थी हम लोगों ने राइड के लिए ताकि इसके ऊपर हेलमेट भी आ जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बाकी डाकू मंगल सिंह वाली लुक आ रही है क्या मम्मा इसमें? नो भाई सही लुक है। कॉमेंट सेक्शन में बताना बंधाना कैसा है, बांधना कैसा है। और भाई मुझे लगता है बहुत ज्यादा अच्छा है, सुपर हिट है। बाकी मिलते हैं आपको डायरेक्टली डिनर के टाइम, कोरियर आ चुका है मस्त तरीके से सेफली। हाँ तो लेट्स गो। तो जी गाइस फाइनली यहाँ पे हो चुका है अपना बढ़िया डिनर का टाइम, टाइम हो रहा है अभी का 8:10 और डिनर में आज भाई कोई स्पेशल चीज है यानी सेव पूरी भी है साथ में बर्गर भी है, क्योंकि गाइस अपने घर गेस्ट आए हुए ना। हाँ तो आपको पता ही है, बाकी होप करता हूँ गाइस
आज वाला व्लॉग प्लस आज वाली राइड आपने बहुत ज्यादा पसंद की होगी। सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलता हूँ नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।